तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें वही फैक्ट्स बताऊंगा जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वन पीस ने ड्रैगन बॉल से इंस्पिरेशन ली है, वन पीस ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो यार ये सारे फैक्ट्स अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं और मेरे ख्याल से सारे वन पीस फैंस को इस चीज़ के बारे में पता है। तो यार इस वीडियो में मैं तुम्हें उन फैक्ट्स के बारे में बताऊँगा जो कि मुझे अभी हाल फिलहाल में पता चले हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 5, अर्ली कैरेक्टर डिजाइंस एंड प्लान्स। तो यार वन पीस को लिखने से पहले ओडा के दिमाग में बहुत से आइडियाज़ थे, जिसमें से चॉपर, नामी और जोरो का जो कॉन्सेप्ट था वो आज के हिसाब से बहुत ही अलग था। शुरुआत करते हैं चॉपर से। तो ओडा इसका अपीयरेंस एक नॉर्मल रेंडियर जैसा ही रखने वाले थे, पर फिर एक इंटरव्यू में हमें ये पता चलता है कि ओडा ने ये इसीलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो जो बाकी के जो कैरेक्टर्स है वो चॉपर को कवर कर लेते, जिसकी वजह से उसका जो यूनिकनेस है वो हम व्यूअर्स को कभी भी पता नहीं चल पाता। इसी वजह से वो इसको एक एज अ क्यूट कैरेक्टर बना के रखे। अब अगर बात करें नामी के बारे में, तो यार ओडा नामी को एक मैकेनिकल हैंड और एक एक्स देने वाले थे। अच्छा हुआ उन्होंने ये प्लान कैंसिल कर दिया। मूविंग ऑन टू जोरो, तो जोरो को पहले बगी पायरेट्स का मेंबर या फिर बगी पायरेट्स का बॉडीगार्ड रखा जाने वाला था। अब अगर बात करें सांजी के बारे में, तो यार सांजी का नाम पहले नारुतो होने वाला था, पर फिर उस वक्त नारुतो सीरीज भी स्टार्ट हुई थी तो इसीलिए उसका नाम बदल के सांजी रख दिया गया। नंबर 4, जोरो एंड सांजी फर्स्ट फाइट। तो यार आर्लोंग पार्क में सांजी जोरो से एक सवाल पूछता है कि क्या उसे ये सही में लगता है कि नामी उसॉप को मार दी होगी, जिसके रिप्लाई में जोरो एक जोक मारता है और कहता है कि हाँ वो काफ़ी गुस्से में थी तो हो सकता है वो उसको मारी दियो, आखिर उसने उसे कोमोनो बुलाया है। जिसके बाद सांजी फ्यूरियस होकर जोरो पर अटैक कर देता है। अब यार यहाँ पर काफ़ी कॉमेडी सीन हुआ था जो कि तुम्हें इंग्लिश सबटाइटल्स और इंग्लिश डब पे समझ में नहीं आएंगे, ये चीज़ यार जापनीज लोग ही समझ सकते हैं, पर यार रुको मैं समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या था। अब यार देखो कोनोमो का मतलब आता है स्मॉल टाइम्स, पर यार ये तो हो गया इंग्लिश सबटाइटल्स और इंग्लिश के बारे में, लेकिन अब अगर हम लोग कोनोमो को जापानीज ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो इसका मतलब आता है स्मॉल थिंग्स। तो यार तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे जोरो कहना चाहता था कि नामी काफ़ी डरपोक है और वो किसी को भी नहीं मारेगी, पर यार यहाँ पे सांजी इस चीज़ का उल्टा ही मतलब समझ लेता है। तो यार जो स्मॉल थिंग्स है वो उसका मतलब समझ लेता है स्मॉल चेस्ट से, वो समझता है कि जोरो नामी को स्मॉल चेस्ट बोल रहा है, जिसकी वजह से वो उस पर अटैक करता है। नंबर 3, अब मुझे नहीं पता इसको फैक्ट बुलाना चाहिए या नहीं, पर यार ये डिटेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो शुरुआती चैप्टर्स में जब कोबी एल्विडा से काफ़ी डरता था, लेकिन तब भी वो अंत में जाकर किसी तरह उसको बोल देता है जो उसके मन में था, जिसके बाद ऑफ कोर्स एल्विडा उसको मारने वाली होती है, पर यहाँ पे एक ताकतवर पर्सन जो कि है लूफी वो उसको आके बचाता है। अब यार कुछ 600 चैप्टर्स बाद यही सेम चीज़ रिपीट होता है, जहाँ पे कोबी इस बार खड़ा है आका इनू के सामने और वो वापस अपनी जो उसके दिल में था वो सब वो आका इनू को बक देता है, जिसके बाद आका इनू उसके ऊपर अटैक करता है, पर यहाँ पे एक ताकतवर पर्सन जो कि है सैंक्स वो उसको आकर बचाता है। और यार एट दी एंड सैंक्स और लूफी दोनों ही कोबी को अप्रिसिएट करते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। नंबर 2, लूफी लाइक्स नामी। तो यार लूफी का नेचर तो तुम्हें पता ही है कि यार उसको किसी भी लड़की को देख के वैसा फीलिंग नहीं आता है, चाहे वो बोआ हैंकॉक भी क्यों ना हो, यार मजाक है क्या। पर अगर बात करें यार इस सीन के बारे में, तो यार यहाँ पे इसको क्या हो जाता है, और यार ये चीज वापस रिपीट होता है जब एलाबास्टा का किंग गलती से गर्ल्स बाथरूम रिवील कर देता है। यार पागल है क्या, वहां पे उसकी बेटी भी है और इतना नहीं वो उनको झांकने भी चल जाता है। खैर यहाँ पे अगर लूफी के बारे में बात करें तो यार वो भी इन सब के साथ झांकने चल जाता है उनको। अब यहाँ पे नामी अपना नोज ब्लीड अटैक करती है, जिसके बाद वो सब लोग नीचे गिर जाते हैं, नॉकआउट हो जाते हैं। पर जो चीज आती है कि यार लूफी पे ये चीज काम कैसे किया, उसको तो यार फीलिंग भी नहीं आता है। और यार ओडा ने भी तो ये बताया था कि स्ट्रॉ हैट्स के बीच कोई प्यार मोहब्बत नहीं होने वाला है, तो फिर ये क्या चीज है। तो यार तुम लोग यहाँ पे एक कॉमन चीज नोटिस करना जो कि नामी वाले सिचुएशन पे आ रहा है कि यहाँ पे उसॉप भी था लूफी के साथ, और यार उसॉप कौन है, लूफी का बेस्ट फ्रेंड। तो यार ये कुछ ऐसा सीन हो गया कि तुम्हारे दोस्त को सुसु लगा है और वो तुमको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं सुसु करवाने के लिए, तुमको भी करना पड़ रहा है। तो यार तुम लोग कह सकते हो कि लूफी यहाँ पे पीयर प्रेशर का शिकार हो गया था। नंबर 1, लूफी इज ऑलरेडी पायरेट किंग ऑफ ईस्ट ब्लू। तो यार वन पीस को लिखने से पहले ही ओडा ने हमें ये बताया था कि वन पीस की मेन स्टोरी हाईली फोकस होने वाली है कि लूफी कैसे हराएगा 4 एम्परर्स को। तो ओडा के इस स्टेटमेंट का रेफरेंस तुम्हें पहले वाले ईस्ट ब्लू सागा में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे लूफी ऑलरेडी वहाँ के 4 मेजर पायरेट्स को हरा चुका है, जो कि है बगी, कैप्टन कूरो, डॉन क्रीग और आर्लोंग। ये चारों ईस्ट ब्लू पर राज करते थे, जिनको लूफी ने हरा दिया है। तो
यार यहाँ पे तुम लोग इनडायरेक्टली कह सकते हो कि लूफी ऑलरेडी ईस्ट ब्लू का पायरेट किंग है। वैसे तो मैं बाय बाय बोल के जाने वाला था, पर फिर वीडियो काफी छोटी हो गई, तो इसलिए बोनस फैक्ट। तो यार क्या तुम थाउजेंड सनी की सवारी रियल लाइफ में करना चाहोगे? क्योंकि यार थाउजेंड सनी रियल में एग्जिस्ट करता है, जो कि लागूमा टेनबोस्ट वन पीस एरिया नाम के एक जगह पे है। वहां पे जाने के लिए तुम्हें गामोरी जापान जाना होगा। और यार इस जगह पे तुम्हें और भी एनिमे बेस्ड थीम पार्क देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हो गया जोजो बिजार एडवेंचर्स, ड्रैगन बॉल जी और गिनतामा। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ वन पीस पे है, तो यार तुम्हारे लिए एक और डेडिकेटेड वन पीस इंडोर पार्क है। इसका नाम है टोक्यो टावर वन पीस। ये जगह तुम्हें मिनातो को टोक्यो जापान में देखने को मिल जाएगा। और यार यहाँ पे रेस्टोरेंट से लेके शॉपिंग मॉल तक सब चीज वन पीस पे ही बेस्ड है। अब तुम्हारा तो नहीं पता, पर मैं यहाँ पे जरूर जाना चाहूंगा, पर अभी फिलहाल के लिए ये सिर्फ एक सपना ही है। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई हो तो यार डिसलाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वन पीस रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।